मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश रीडिंग बुक, फाइंड आउट योर बुक पेज नंबर 38। तो आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ एन एंड ए। तो हमें इससे पता चलेगा कि कहाँ पर यूज करना है हमने एन का और कहाँ पर ए यूज होगा। वी यूज एन बिफोर वॉवल साउंड वर्ड्स, जो वॉवल साउंड के वर्ड्स हैं वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन एप्पल, एप्पल ए साउंड है तो यहाँ पर क्या है एन आएगा, एन एप्पल ए। सेब, एन एग, ए का साउंड आ रहा है फिर ई से एन एग, ये क्या है वावल है एन एग। एन आउल, आउल मीन उल्लू, ये ओ है अ का साउंड आ रहा है आउल। एन एंट, फिर ए है यहाँ पर, ये क्या है वावल, तो यहाँ पर एन आएगा। एन इग्लू, ई का साउंड आ रहा है इग्लू, तो यहाँ पर एन इग्लू। एन अम्ब्रेला, यू है तो अ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर क्या है एन अम्ब्रेला, एन आएगा। तो आगे है वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स, जो कॉन्सोनेंट, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है उससे पहले क्या आएगा ए। जैसे ए होम, है साउंड आ रहा है तो ये क्या है कॉन्सोनेंट में आता है साउंड एच, तो यहाँ पर ए आ गया। ए बैट, बी से बे होता है तो ये क्या है बैट, बी कॉन्सोनेंट है तो ए। कार, सी से कै बनता है तो ये क्या है कै का साउंड आएगा तो यहाँ पर ए आएगा। ए ट्री, ट्री क्या है कॉन्सोनेंट टी और यहाँ पर ए आएगा। ए जेब्रा, जेड, जे, जे जे क्या है कॉन्सोनेंट जेड, जैक साउंड आ रहा है तो ए। ए फैन, एफ क्या है कॉन्सोनेंट, फै का साउंड आ रहा है तो ये क्या है ए फैन, तो यहाँ पर ए आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।